बीच पे एट नाइट मोड। तो आपको हम दिखाते हैं जुहू में आखिर रात में कैसी चांदनी होती है, और दिखाएंगे आपको यहाँ पे खाने के व्यंजन। तो इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश ब्लॉग ऑफ क्षितिज द्विवेदी ब्लॉग, और एंजॉय करिए पहले हमारे जुहू की लहरों को। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो जनवरी मंथ का है, इसलिए यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना है और मैंने भी नहीं पहना, बिकॉज तब कोई भी COVID-19 पेंडेमिक नहीं थी और कोई भी कोरोना वायरस नहीं था, इसलिए सब बिना मास्क के बाहर निकल जाते थे। बट आज के टाइम पे अगर आपको जाना है जुहू बीच या कहीं भी और स्ट्रीट फूड खाना है, तो पहले अपनी PPE किट, मास्क वगैरह पहन के जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। मेरे हेयर का लुक चेंज हो गया बिकॉज ऑफ हेयर इन मुंबई। सो चलिए जल्दी से कुछ खाते हैं बिकॉज भूख बहुत जोर का लग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ है लाइट्स और वो है फूड स्टॉल, जो कि अभी तो बेसिकली 8 बजे हैं, लेकिन रात के 11-12 बजे आपको आराम से मिल जाता है। अब अगर फोकस करें तो कुछ इस तरीके की जगह है। अभी हम चलते हैं वहाँ पे और लहरों का आप देख सकते हैं क्या तो मज़ा है। तो ये है जुहू बीच एट नाइट और हम चलते हैं अब फूड स्टॉल पे। सुंदर बीच है आप देख सकते हैं, और हम चलते हैं कुछ खाते हैं बिकॉज भूख लगी है। इसको रगड़ा पेटीज क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अच्छा, ये पेटीज हो रगड़ा। ओके, अच्छा अच्छा, ये सेव है। हाँ, ये पापी है। Thank you.
अगर रगड़ा पेटिस के टेस्ट की बात करें, ये थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा सा तीखा भी है, थोड़ा सा नमकीन भी है, और पापड़ी डली है तो थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट भी आ रहा है, बाकी सॉफ्ट फ्लेवर जैसे हमारे रगड़ा का है, जो मटर है येलो कलर के, इसको रगड़ा कहते हैं, आज मुझे पता चला है क्योंकि मैं पहली बार खा रहा हूँ। और ये जो पैटीज है, आलू की पैटीज है, तो इन दोनों को मिला के ये चाट बनाते हैं और आपको देते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो बहुत बेसिक टेस्ट है, बट इनके जो मसाले हैं जो ये ऊपर से यूज करते हैं, सेव पापड़ी वगैरह, तो वो इसका टेस्ट और बढ़ा देता है। इसमें प्याज का सैलेड और टमाटर धनिया वगैरह डाल के लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे टेक्सचर हैं। खाते खाते मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं अकेला ही गया था, कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था। और जब भी आप ऐसी जगह पे व्लॉगिंग करने जाओ, कोशिश करो पार्टनर साथ में जाए, बिकॉज हो सकता है आपका वो फोन लेकर के भाग जाए जो वहां के लोग हैं, तो बी केयरफुल। और वीडियो खत्म करने से पहले प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें तब बाहर निकले। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप लोग सेफ रहें और खुश रहें। सो व्लोडी फुटेज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एम है 50 लाइक्स का, अगर इस वीडियो में मेरे 50 लाइक्स आ जाते हैं देन मैं आपको दूसरा एक व्लॉग दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली, एंड बाय बाय।